उत्तरकाशी के सिलकेआरा सुरंग पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने देश और दुनिया में उपलब्ध श्रेष्ठतम विशेषज्ञों का लाभ उठाकर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे संगठनों और अधिकारियों को अधिकतम तैयारी और आवश्यक संसाधनों का समय रहते इंतजाम करने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि रेस्क्यू के हर विकल्प पर उच्च क्षमता व तत्परता के साथ काम किया जाए। उन्होंने सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों से भी मुलाकात की और भरोसा दिलाया। कहा कि सरकार पूरी ताकत और शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रेस्क्यू अभियान में शुरुआती दौर में आई कठिनाइयों को देखते हुए अब हर संभव विकल्पों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। गडकरी और मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर, लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है। वो सब चीज़ें कर रहे हैं और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और उन्हें।